शैम्पू कौन सा लगा रहा है आजकल? दिनी तो हम ब्रेड रोल खुद करते थे या हम ब्रेड रोल करवाते थे? जब मजा किसमें आता था? खुद भी बना सकते हैं और दूसरे लोग भी कर सकते हैं। जिसको पता है उसको पता है। हाँ जी भाई। गया वहाँ मैंने एक और चीज सीखी, फटी में सब चलता है। Being a politician is also an art. वो बाद में पता लगी मुझे, तब मुझे पता नहीं थी। मजा आया। दिल टूटना बहुत जरूरी है। दिल टूटने से पहले एक आपका एक अलग वर्जन होता है, दिल टूटने के बाद आपका एक अलग वर्जन होता है। बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहें और हम। कि अभी दुकान का शटर खुला हुआ है, आप जो चाहें, चीनी चाय पत्ती जो लेना चाहें ले सकते हैं। नहीं, that could mean a lot of things. Getting drunk on stage and ये सब चीज़ें, it's part of the culture. Have you been a part of that culture? Of course, I have been a part of that culture. इस पे हम बात करेंगे? इस पे हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो जुबिन, ऐसा है कि इंटरव्यू वो वाला है कि इस चलते शो में आपको कॉफी बीच कैमरा रोक करके मिल जाती है। सुपर्ब, या नाइस, इट्स दैट कैजुअल। इंटरव्यू वो इंटरव्यू होगा जो कि कहीं पर भी जा सकता है। इफ यू वांट नॉट टू आंसर एनीथिंग, यू कैन चूज टू डू दैट। आप बीच में रोक के कह दीजिएगा बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, ओके, आई विल डू, है ना? तो वी आर फ्री टू डू दैट। बट दिस इंटरव्यू वी विल स्टार्ट विद नॉर्मल, क्या होता है ना, और बताइए, हम स्मॉल टॉक से शुरू करेंगे। जी ओके। शैम्पू कौन सा लगा रहे हो आजकल? रियली देखा, हम में से किसी को स्मॉल टॉक की आदत नहीं इंटरव्यू में, राइट? नहीं, मैं सोच रहा था मैं शैम्पू लगा कौन सा रहूं, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दैट सेम शैम्पू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि नाउ आई नो इट एज ग्रीन बॉटल, सॉरी, रेड बॉटल, ब्लैक बॉटल एंड व्हाइट बॉटल। व्हाइट इज द कंडीशनर, रेड एंड ब्लैक इज द शैम्पू। इस बात के बहुत मतलब निकलते हैं। Red bottle, green bottle, white bottle. Why bottle? I think I'm using SN. इसे कौन-कौन से brands आते? हाँ, yes, ये वाला। तुम लोग काफी खर्चा कर रही हो। Girls know their brands. मुझे डर लगता है मैंने बाल कटवा लिए तो शायद मुझे पहचाने का ही नहीं उसके बाद। I think I was born with long hair. माल देवता? जी सर। माल देवता। सिंह सूप बार। इनके बारे में एक-एक चीज़ बताओ। केसी सूप बार। Kesi Soup Bar. Was known for its mutton momos. खाया पिया लौंडे लग रहा है। बिल्कुल, अरे ये वो जगह है जहाँ पे मैंने अपने माता पिता के पैसे चुराए हैं। 40-40, 50-50 रुपए वहाँ पे जाके मोमोज खाने के। ब्रेकिंग न्यूज। क्योंकि जुबिन घर पे चुटकी करता था। पता नहीं, I think they are mixing something in that moment. है ना, वो kids are love शब्द थे, चिकन गुराना टाइप कुछ हो रहा है उसमें। Something is happening. साथ में ड्राइवर होता था एक जो गाड़ी चलाता था। तो पहले मैं 40 रुपए लेके जाता था अपने लिए, मोमो ले लेता था, वो पीछे बार बार पीछे देख रहा ऐसे करके, मैं मोमो खा रहा हूँ बार बार पीछे देख रहा। फिर 80 रुपए चुराए मैंने, कहा चल एक प्लेट तेरी एक प्लेट मेरी। क्या मतलब, कितना बड़ा दिल है। क्या रॉबिनहुड, मैं तुझे मोमो खिलाऊंगा रॉबिनहुड बन के। वंडरफुल। 9 बजे के बाद बंद हो जाता है देहरादून। जी करेक्ट, 9 बजे के बाद बंद होता है। जब तुम देखते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि क्यों बंद होता है, वाय? अरे क्योंकि सबको पार्टी करनी है, अभी दुकानें बंद करेंगे तभी तो कुछ और खुलेगा। शांत, ओह, वील टॉक अबाउट दैट एज वेल। आई थिंक द स्मॉल टॉक इज कमिंग टू अ कंक्लूजन। नाउ वील बिगिन द एक्चुअल इंटरव्यू। सो दिस इज द इंडियन फोक प्रोजेक्ट। मेरा नाम पीयूष है और मेरे साथ इम्तियाज नहीं, जुबिन है। कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे चलते फिरते उड़ती नजर में किसी ने इम्तियाज समझाओ? नहीं, पर्सनली मुझे किसी ने नहीं बोला इम्तियाज ऐसा, बट हाँ, एक बार एक न्यूज़पेपर कटिंग आई जिसमें हम दोनों की अगल बगल फोटो थी और रमेश सुरेश पापा की पतलून दो बिलांग छोटी, पिताजी की पतलून एक बिलांग, ऐसा मैंने कहा वाओ, मतलब आई हैड नॉट थॉट ऑफ इट लाइक दैट, बट व्हेन आई सॉ दैट टुगेदर आई वाज लाइक वाओ, बिल्कुल बड़े भाई लग रहे मेरे। फिर मुझे एक दिन फ्लाइट में मिल गए इम्तियाज। मैंने, सर मेरा नाम जुबिन नौटियाल है और हमारी शक्ल बहुत मिलती है, तो वो सही थोड़ा थोड़े लीन है, वो पतले हैं, उन्होंने मुझे ऐसे देखा,
हाँ मिलती तो हमें भी, वी आर ब्रदर्स फ्रॉम सम अदर टाइम, क्या बात है। तो पॉलिटिक्स के बारे में कितना अंडरस्टैंडिंग है? पॉलिटिक्स जस्ट फॉर द अनइनिशिएटेड, बिकॉज मिस्टर नौटियाल इज अ पॉलिटिशियन, मिस्टर सीनियर नौटियाल, तुम्हें कुछ समझ बनी उसके बारे में? या कहते ना पापा को चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। पॉलिटिकल वेज आर डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, ऑफ थिंकिंग, ओनली एक अलग थॉट है वो। तो आई वॉज एक्सपोज टू दैट। मेरे पिताजी जिला पंचायत में चेयरमैन थे, ये तब था जब देहरादून कैपिटल नहीं बना था, उत्तराखंड स्टेट नहीं बना था, इट वॉज स्टिल पार्ट ऑफ यूपी। तो 3 साल उन्होंने यूपी पॉलिटिक्स के देखे और हमने बाय डिफॉल्ट एज फैमिली देखे 3 साल यूपी पॉलिटिक्स के। फिर 3 साल, फिर 2000 में वो बनने गए थे, 3 साल फिर वो उत्तराखंड में चेयरमैन रहे। सो राजनीति से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। और हाँ, शायद अगर म्यूजिशियन नहीं बनता तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं जा कर के मुझे पॉलिटिकल प्रेशर आता और हो सकता है मुझे राजनीति ज्वाइन करनी पड़ती। गुड लुकिंग पॉलिटिशियन है, वैसे भी कम है। हमारा नेता कैसा हो, जुबिन भाई जैसा हो। ये योर केस इज अ टिपिकल नॉन नेपोटिज्म केस कि भाई पापा ये हैं, जहाँ पर सब बैठा बिठाया सब कुछ है, सेट मामला है, बट यू आर कार्विंग योर ओन वे। पहले शुरुआत में ऐसा, हुम डिड यू फर्स्ट ब्रेक दिस कि यार ये ट्राई करना है? सर मैं बदमाश था, बच्चा छोटा था, माई माइंड वॉज वेरी थोड़ा एंशियस था मैम। आई फेल्ट सम काइंड ऑफ एंग्जाइटी वॉज इन मी। और माँ को पता लग जाता है ना बच्चों के बारे में कि कैसा। तो जब मैं 3-4 साल का था, मैं कभी अपनी बहन के टॉयज तोड़ देता था अपने, तो जी आई जोस के हाथ पैर मैंने निकालते रहने थे। जी आई जोस बहुत समय बाद मैंने सुना है यार। यस, सामने एक दिन पड़ी थी दीदी की बारबी डॉल, तो इधर पड़ी थी कैंची, मैंने उठाई कैंची। और उसके बाद पहले बाल काटने से शुरू हुआ, गर्दन काट दी मैंने उसकी। तो घर वाले डर गए कि भाई ये क्या हो रहा है, जेफरी डामर सिंड्रोम तो नहीं है, मतलब ये कुछ और तो नहीं, मतलब ये कहीं हमने कुछ और तो नहीं पैदा कर दिया। तो उनको लगा चलो इज अ बेबी, लेट्स इंट्रोड्यूस सम इंस्ट्रूमेंट्स टू हिम, एंड दैट्स वेयर म्यूजिक हैपेंड। हारमोनियम दिया गया मुझे, ओ चाहे 15 मिनट बजाऊं हारमोनियम, लेकिन कुछ शांति पड़ी माइंड में, आई फेल्ट समथिंग। दे स्टार्टेड टू काम यू डाउन एज अ किड, बट दैट यू हैव टू चूज म्यूजिक एज अ प्रोफेशन, When did that happen? आपने कभी मतलब कि सुनिए जरा कुछ बात करनी है? My parents have been, they are like gods, मतलब सच में उन्होंने सब समझा, पूरी सिचुएशन समझी। उन्होंने ये बोला कि बेटा तेरे पास 10 चीजें हैं करने के लिए, तो ये प्रेशर मत देना लाइफ में कि अगर म्यूजिक नहीं हो पाया तो मैं क्या करूँगा, हम कुछ ना कुछ कर देंगे तेरे लिए, सेटल कर देंगे तेरे को, तो टेंशन नहीं है, जाओ गिव योर सेल्फ टाइम, बी प्रैक्टिकल, अपने को थोड़ा वक्त दो, पर अंधों की तरह नहीं करना। उम्र निकल गई पूरी और आप लगे हो एक ही चीज में। आई लव देम फॉर दैट। उन्होंने बॉम्बे भेजा मुझे, नो मैटर हाउ वेल ऑफ यू आर इन लाइफ, पेरेंट्स के लिए बहुत कठिन होता है अपने इकलौते बेटे को बॉम्बे भेज देना, पर एक ऐसी लाइन में जाना था जो जिसके बारे में कुछ पता नहीं है आगे पीछे। परिवार में कोई भी नहीं है, मतलब कोई म्यूजिशियन नहीं रहा खानदान में, नाना साइड आर्टिस्ट नहीं रहा कोई। तो म्यूजिशियन तो फिर भी एक पार्ट ऑफ आर्ट है, मतलब बीइंग अ पॉलिटिशियन इज आल्सो एन आर्ट टू कन्विंस पीपल। वो बाद में पता लगी मुझे, तब मुझे पता नहीं थी। मजा आया, मुझे लगता अगर मैं लड़के आता अपने माता पिता से बॉम्बे और ये सब फॉलो करता तो शायद इतना पॉजिटिवली नहीं कर पाता अपना जो मेरा लोग स्ट्रगल बोलते हैं, मुझे इस वर्ड से पसंद नहीं, हसल, मैं हसल नहीं कर पाता। और उन्होंने फुल सपोर्ट के साथ भेजा, उन्होंने कहा देखो जो करना है कर, जैसी आप बच्चे को ये बोलते हो जो करना है कर, तो उसके बाद ना अगर वो बिगड़ भी रहा होता ना तो समझ जाता है उसको, लगता है नहीं यार इतना विश्वास कर रहे हैं मेरे ऊपर, कैंची मिलेगी तो मैं गुड़िया की गर्दन निकालूंगा। अब आप बॉम्बे आ गए और हमारी कॉफी भी आ गई, आजिए साहब। ऐसे जब कोई इतनी तमीज से लाता है तो उसके रिश्ते की बात चल रही होती है। नहीं जी, थैंक यू, थैंक यू जी। ऐसे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, दे हैव दे ग्लोरीफाई दे स्ट्रगल और लाइक इफ यू चूज टू कॉल इट अ हसल, ऐसे कुछ दिन रहे जब थोड़ा सा मुश्किल रही और व्हेन यू फेल्ट दैट ओ आई शुड गो बैक? हाँ, तो ये देखिए मुझे लगता है सवाल इंसान जब भी कुछ नया करता है हटके करता है और पहला खुद ही होता अपने परिवार में करने वाला, तो सवाल खुद से अक्सर पूछता है इंसान की यार ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं वक्त निकल जाए, वक्त एक ऐसी चीज है वापस आता नहीं है, न रोड मैप है न बेंचमार्क है, और ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, मतलब ना कि या तो मुझे कोई बहुत ही बड़ा
फिल्म इंडस्ट्री का दिग्गज बोलता कि चल तू जो भी है मैं देख लूंगा, ऐसा नहीं था कुछ भी. सवाल आए मन में बहुत बार आए, पर एक गाना लिख दिया मैंने उसके ऊपर, और वो गाना मोटिवेट करता रहा मुझे और मैं आगे बढ़ता रहा. आप जिंदगी में, आप बच्चे होते हैं तो बच्चे थोड़े से मतलब ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं. आई एम श्योर दैट यू वर लाइक, यू वुड हैव बीन लाइक दैट. तो जब किसी एक चीज़ में एक्सेल करने लगते हैं तो फिर उनको लगता है कि यार इसमें तो मैं अच्छा हूँ. चार लोग जब आपको वैलिडेशन देते हैं अपने आस पास तो लगता है यार हाँ. बाद ना ताली की है, वो कहते हैं ताली लग जाती है तो फिर बिगड़ जाता है इंसान. वो ताली लग चुकी थी स्कूल टाइम, लव लेटर्स आने शुरू हो गए थे सामने गर्ल्स स्कूल. वाह शाबाश शाबाश. तो वो कौन सा स्कूल था जहाँ से लव लेटर्स आ रहे थे? वेलम गर्ल्स. वेलम गर्ल्स, अरे तो सोशल्स होते थे जी जी हम लोग का, लेकिन उन्होंने वेलम गर्ल्स के साथ नहीं रखा सोशल, उन्होंने होप टाउन के साथ हमारा सोशल करा. चलो कोई नहीं, 100 रुपए नहीं तो 50 रुपए से सोशल सोशल, क्योंकि बहुत आसानी से सोशल शोषण भी सुनाई दिया जा सकता है. तो सोशल्स बेसिकली वो हम वही हैं जो पहले शोषण सुनते फिर सोशल सुनते. तो सोशल्स बेसिकली बिकॉज़ आई एम आल्सो प्रोडक्ट ऑफ बॉयज स्कूल, तो हमें पता है कि क्या चलता रहता है. व्हिच स्कूल वर यू इन? आई वाज इन लखनऊ. अच्छा अच्छा. लखनऊ भी कमाल की जगह है. बहुत बहुत यार बिल्कुल. आई कैन वी कैन से दैट इट्स अ डिजिटल इंटरव्यू, डोंट वरी अबाउट दैट. डिजिटल है बट फुल ऑन. कभी ऐसा होता था कि यार सबसे ज्यादा जुबिन को ही सब ऐसा भाव मिल रहा है, ऐसा होता था? नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होता था, सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे लड़के हम मेरे से बहुत खतरनाक खतरनाक प्लेयर्स रहे हैं हमारे उसमें स्कूल में. पर हाँ गिटार बजाने वाले, हाँ गिटार बजा, देखो गिटार बजाने वाले लड़के को हैंड्स डाउन सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती है. डोंट गिव मी दैट कि नहीं जुबिन में नहीं, डेफिनेटली प्यार मिलता था गिटार बजाने पर. प्यार मिलता कितना इजीली कह के निकल गए. वैल्यू तो थी दोस्त. हाँ जी वैल्यू थी, लोग प्यार बहुत करते थे. इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े हो जाते इस बार? हाँ मैं क्या करूं, आपके घर में पानी भी दूंगा बिजली भी दूंगा. एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपको आपको जब भी आपके बारे में पढ़ो देखो तो कहते हैं कि लड़के का दिल बहुत टूटा है, दबा के टूटा है. यू कैरी दैट विद यू इन योर म्यूजिक? जैसे कि हम हर एपिसोड में लेजेंडरी खटाना भाई का एग्जाम्पल देते हैं, दुख दर्द पीड़ा तब बनता है आर्टिस्ट. अच्छा तो क्या सीन है यार? मुझे लगता है कि दिल टूटना बहुत ज़रूरी है. दिल टूटने से पहले एक आपका एक अलग वर्जन होता है और दिल टूटने के बाद आपका एक अलग वर्जन होता है. जो दिल टूटने के बाद जो आपका वर्जन होता है वो वर्जन एक ऐसा वर्जन होता है जो जिंदगी में कुछ करने का जज्बा रखता है. वो उसके बाद आशिक नहीं धूमकेतु हो जाता है. हाँ जी बिल्कुल. उसके बाद आपको लगता है कि यार मैंने क्या अपना सारा टाइम इस चीज़ पर वेस्ट करा, एक रिलेशनशिप पे वर्कआउट नहीं करी. And this goes for men and women both. You know, after a heartbreak, I think everybody gets into a space ki yaar half my us waqt to jahan pe chot lagti hai wahan lagta hai aadhi zindagi nikal gayi. So half my life is basically gone in this now. Rest half I should do something out of it. And definitely that is one of the very important driving sources also. Bada ho jata hai aadmi ekdam se. Agle din hi bada ho jata hai. Matlab aise lagta rahe. Main bachcha tha kya kal se? To haan yaar sab sabhi ka tootta hai ek na ek baar to. बट इट शोज इन योर म्यूजिक और मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और आजकल तो काफी धार्मिक धार्मिक गाने में भी आ गए. ऐसा क्या हो, ऐसा क्यों हो रखा है भाई? ऐसा कह रहे जुबिन को देख करके एक ऐसी इमेज बनती है यार कि बहुत ही बढ़िया सोलफुल रोमांटिक बैलेट टाइप का कुछ मिलेगा. और फिर जुबिन कहता है सुनो मेरी बात, मैं आऊंगा धार्मिक. धार्मिक तो कह रहे एक्सपेक्टेशन ट्रैक. क्यों ऐसा क्यों चल रहा है? अब मुझे लगता है पहले इंसान मोहब्बत करता है फिर उसका दिल टूटता है. दिल टूटने के बाद भगवान को याद करेगा और उसको याद करेगा. काफी सुखी हो जाता है. बट डोंट यू फील दैट जैसे एक्टर्स होते हैं, एक्टर्स कहते हैं कि हम एक तरीके के रोल में स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहते. यू फील दैट दिस विल रिस्ट्रिक्ट यू और फॉर्म अ सर्टन इमेजरी इन द मार्केट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल बिजनेस एज वेल. आर्ट इज बिजनेस एज वेल दीज डेज. मैं एक ऐसा आर्टिस्ट रहा हूँ, मेरी जर्नी कुछ इस तरह से रही है कि जो मेरे बहुत छोटे छोटे गाने ना वो हिट हुए. मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैंने बहुत बड़ा गाना गाया और सुपर हिट हो गया. दैट हैपेंड वे लेटर इन माई करियर. बट आई एम समबडी जो एक मुलाकात जैसा गाना गाएगा, छोटी सी पिक्चर, सोनाली केबल, डेब्यूज चल रहे हैं और ये सब हो रहे हैं और वो गाना कहीं से निकल गया ऊपर. उस पिक्चर में अगर कुछ किसी को याद है तो गाना याद है, बाकी पिक्चर तो किसी को याद नहीं. आशीर्वाद भी रहा सारे लोगों का. तो बस उस तरह से वैसा थॉट ही नहीं बना मेरा कि ये रिलीज होके लोग कैसा रखेंगे कैसा नहीं रखेंगे. हम सब में एक चिप्पड़ एलिमेंट होता है, हमारे चिप थ्रिल्स होते हैं. बिल्कुल. जैसे 90s का टाइम एक ऐसा टाइम था बॉलीवुड में
ओहो हाय हुकू हाय से लेकर एंड दिस एंड दैट सरकाई लो खटिया हम सब के चीपड़ थ्रिल्स होते थे और उस टाइम पर जब किसी का दिल टूटता था सबसे पहले तो अल्ताफ राजा याद आते थे या अताउल्ला खान क्या बात है ना मुझको दफना के जो दिल टूटने के टाइम पे कौन से गाने सुनते थे दिल टूटने के टाइम पे ऑनेस्टली जब तक मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में तब तक वो फुल बैंड कल्चर स्टार्ट हो गया था मोहित चौहान के रहमान साहब पलाश सैन बहुत सारे मतलब सडनली देयर वाज अ बिग राइज ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो लोग अपनी एल्बम निकाल रहे हैं आतिफ और पाकिस्तान से फुल बैंड्स का इतना सीन आ गया था सूफी रॉक स्ट्रिंग्स एंड दिस एंड दैट इनसेन हो गया मतलब मेरे हिसाब से इंडिया का बेस्ट टाइम था म्यूजिक का इन रीसेंट टाइम्स क्रेजी टाइम मतलब क्रिएटिविटी वाज एट इट्स पीक ऑल ऑफ देम ऑल ऑफ दैट वाज इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडिपेंडेंट नॉट बॉलीवुड म्यूजिक आप देखिए रहमान साहब मां तुझे सलाम उस वक्त मतलब जो इतना कल्ट काम फिल्मों के लिए करने के बाद उन्होंने डिसाइड करा कि मैं एक इंडिपेंडेंट मैं अलग करूंगा अरे व्हिच वन यूज्ड टू हियर यार आदत बहुत सुना है मैंने बचपन में क्या गाना था यार वो मतलब जल का वर्जन था और एक जल वाला वर्जन है ना जल वाले वर्जन है ना मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे म्यूजिशियंस को इंस्पायर करा गिटार उठाने के लिए गिटार बैठ के गाने के लिए अरे क्या बात स्कूल के बाद ओह कुछ भूल चूक माफ प्लीज जयकारा शेर वाली का शुरू करते हैं दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है अब तो जिंदा हूं मैं इस नीले आसमां में ऐसी है ये तेरी जलती जाए आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए यादें गहरी हैं इतनी ना 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 तो कॉलेज डेज में ले गए यार क्या बात सब लोग 500 रुपए जमा कर देंगे माता के नाम पे 500 जय माता दी यू रिमेंबर योर फर्स्ट ऑटोग्राफ दैट यू गॉट आई शुड गो वेयर आई वेंट इनटू गन हां बड़े बहुत सारे मैंने पंडित जसराज से ले लिया था मतलब एंड यू रिमेंबर योर फर्स्ट ऑटोग्राफ दैट यू गेव यार मेरा पहला ऑटोग्राफ मुझे याद ही नहीं क्योंकि मैंने 100% बोला मैंने कहा किसी ने इसको प्लांट कर रखा ऑटोग्राफ लेने के लिए जस्ट टू मेक मी फील गुड बिकॉज़ आई कुड नॉट बिलीव दैट समबडी इज कमिंग एंड टेकिंग बट देन दैट मस्ट बी द लव फॉर पीपल वाज इट आईआईटी रुड़की 2003 वाला परफॉर्मेंस लड़कियां तो भाई मैंने सुना था उस शो में लड़कियों ने जो घर जाने दिया था वहां रोए लोग वहां रुला दिया था मैंने लोग रो गए थे वहां पर पीपल क्राइड पीपल लाफ्ड आर्टिस्ट जब भी इंडिया में बड़ा होता है सबसे पहले उसको कॉलेजेस में जाना चाहिए बाय अ थंब रूल यू नो आई थिंक कॉलेज में परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि वहाँ से आपको आपकी कल्ट फॉलोइंग मिलती है वहाँ से आपको आपके वो फैंस मिलते हैं जो प्रॉब्ली लाइक माइंडेड होते हैं सेम एज के होते हैं दीज आर द पीपल हु इवेंचुअली टेक योर म्यूजिक अहेड एग्जैक्टली यू नो फिर वो बाद में इट स्टेज विद यू लाइक इट्स लाइक अ हैबिट फिर बाद में जाके कॉर्पोरेट्स बनते हैं फिर उनको वो याद रहता है फिर बाद में जाके दे बिकम सीईओज एंड एमडीज ऑफ कंपनी फिर अपनी कंपनी बुलाते हैं आर्टिस्ट तो मतलब आर्टिस्ट हैज टू गेट अ राइट ऑडियंस ये जो बिजनेस एंगल पकड़ा है भाई अच्छे अच्छे एमबीए करिकुलम में नहीं बताया जाएगा आईआईटी रुड़की की बात करें तो ऑनेस्टली इतने शोज बजाने का गला चल नहीं रहा था तो मेरे मैनेजर ने बोला कि आप सो जाओ थोड़ी देर मैं डिले कर देता हूँ शो आधा एक घंटा रेस्ट करके उठोगे थोड़ा आधे घंटे बाद आए उन्होंने कहा कि उठो 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 मैं किसी अलग हाल में उठा उन्होंने बोला कि चलो स्टेज पे मैंने कहा भाई ना तो आवाज़ निकल रही और शो नहीं हो पाएगा
मैनेजर साहब ने बोला कि भाई बाहर 30-40 हज़ार जनता खड़ी है, मर जाएंगे, मार देंगे, हम लोग को जाने नहीं देंगे यहाँ से। गुड़गांव में तो आओ भाई आओ। हाँ जी, तो हम लोग ये प्ले करके वहाँ गए और हमें रियलाइज हुआ कि ये तो आज शो करना पड़ेगा और गला नहीं चल रहा आज। तो किसी तरह मैं स्टेज पे गया, वहाँ मैंने एक और चीज सीखी, फटी में सब चलता है। तो जैसे ही मैं स्टेज पे पहुंचा सडनली गला चलने लग गया, गाने भी निकलने लगे सब कुछ, एंड दैट्स वेयर आई गेव द प्रॉब्ली द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ माई लाइफ दैट डे। आई हैव हर्ड तुझे कितने चाहने लगे हम पे, जनता उड़ गई थी। जी जी बिल्कुल, मतलब इट वॉज दैट प्राइम ऑफ द शो, आई फेल्ट इट, दे फेल्ट इट, मतलब वो एक ऐसा मोमेंट था जब लिटरली 30-40,000 पीपल टुगेदर, वी वर वन यूनिट। कैन वी गो बैक टू 2003, तुझे कितना चाहने लगे हम। जरूर, व्हाई नॉट। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूं फिर एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम तेरे बिन, न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहें और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, हाँ है तुझे कितना चाहें और हम, ओ अब 500 का रेट 1,000 हो चुका है, सबसे 1,000 सबसे लेने मैंने। एक बहुत सीरियस सवाल है, ऑल ऑफ अस सैट फॉर एन आवर ऑल्सो एंड वी थॉट दैट दिस इज वन क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क यू, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया। अंताक्षरी में म से क्या गाते हो? अंताक्षरी खेली है भी? कभी तो खेली होगी। मम्मी ओ मम्मी, यू आर लीडिंग टू दिस। हां सी आई डिडंट से एनीथिंग। हां वो कौन सा गाना था जो अंताक्षरी मां से गाते हो और अभी लाइव से भी है? मम्मी तू कब सांस बनेगी, मम्मी ओ मम्मी तू कब सांस बनेगी, इतना ही गाते थे सच में। इसके आगे का नहीं आता। और बहुत सारे लोग अग्री करेंगे कि इसके आगे का उनको भी नहीं आता। हाँ, किसी को नहीं पता, हुक्स ही याद है। तो अच्छा, अब इसी पे आ जाते हैं। देखो, यू वर्कड इनटू इट, आई डिडंट से एनीथिंग। एब्सोल्युटली आई वर्कड इनटू इट। क्या चल रहा है भाई? रूमर चल रहे हैं, सच बताऊं तो। मैंने सुना है कि एंगेजमेंट हो गई है, सब बड़े लोग बता रहे हैं। हो गई सच में? भाई कैसी बात कर, मेरी खुशी नहीं दिख रही, मैं कितना खुश हूं। मेरी खुशी से कुछ दुश्मन ये कुछ है, कुछ हैं दिल जले, कुछ हैं कि ना, अच्छा ऐसे कैसे, अगला क्यों? यार असल में एक म्यूजिक वीडियो थी, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, नुसरत साहब का गाना, मैंने रोचक पाजी ने टी सीरीज के याद करा था। उसमें मेरी और निकिता दत्ता की शादी हो रही थी। अब वो शादी, जब वो गाने का प्रमोशन शुरू हुआ, वो ऐसी आग पकड़ ली उसने कि ये शादी कर रहा है, इनकी शादी हो गई है, हम प्रोजेक्ट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं ये लोग साथ में कॉफी पीते दिखाई, मतलब नैरेटिव मिल गया मीडिया को कुछ करने के लिए। और वो आज तक मैं धो रहा हूँ कपड़े बेसिकली कि नहीं। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि अभी दुकान का शटर खुला हुआ है, आप जो चाहें
चीनी चाय पत्ती जो लेना चाहे ले सकते हैं. नहीं नहीं, दैट कुड मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारी जगह पे है बाबा जी की बूटी का जिक्र. सो आर्टिस्ट को जब देखते हैं, और बहुत सारे म्यूजिशियंस ऐसे होते हैं उनके बारे में माना जाता है कि सब्सटेंस का इस्तेमाल वगैरह वगैरह करते हैं, क्या मानना है आपका कि इसमें कितनी सच्चाई है? रॉक म्यूजिक की बात करें, वेस्टर्न म्यूजिक की बात करें, तो वो एक इट्स इन्फ्यूज्ड इन द कल्चर इन सम वे ना. इट वाज पार्ट ऑफ अ कल्चर, गेटिंग ड्रंक ऑन स्टेज एंड ये सब चीजें, इट्स पार्ट ऑफ द कल्चर. आई हैव सीन दैट कल्चर. मैं आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट कल्चर. ऑफ कोर्स आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट कल्चर. इस पे हम बात करेंगे? इस पे हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे. पर आई हैव सीन दैट साइड ऑफ म्यूजिक ऑल्सो. आई हैव सीन दैट साइड ऑफ क्रेज एंड इंसॉम्नी ऑल्सो. आई गॉट आउट ऑफ इट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. आई हैड अ हार्ट ब्रेक एंड आई गॉट आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट. सो शी इवेंचुअली सेव्ड मी. ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये रिवर्स ऑस्मोसिस चल रहा है तुम्हारे जीवन में कि उसके बाद आदमी शुरू होता है. नहीं एक्चुअली मुझे आई हैड अ हार्ट ब्रेक एट अ यंगर एज. हार्ट ब्रेक भी क्या बोला, आई वॉज अ कन्फ्यूज सोल माई सेल्फ. आई डोंट नो इफ आई हैड अ हार्ट ब्रेक और आई ब्रोक समवन्स हार्ट, बट इट डिड नॉट वर्क आउट एंड इट स्टेड विद मी इन मेनी वेज. तो हम ब्रेड रोल खुद करते थे या हम ब्रेड रोल करवाते थे? जब मजा किसमें आता था? नहीं, ब्रेड रोल्स तो खुद भी बना सकते हैं और दूसरे लोग भी कर सकते हैं. जिसको पता है उसको पता है. हाँ जी. You come from Uttarakhand and yes. There is a lot of very good folk music out there. मतलब हम जो बाहर रहने वाले हैं उनको भी बेडू पाको याद है. क्या बात है. तो have you ever tried, like you've tried, you're doing romantic numbers, you're doing devotional numbers. Have you ever thought of it कि जहाँ से आता हूँ उस जगह का कुछ म्यूजिक कुछ रिक्रिएट करके या कुछ ऐसा बनाया जाए कि पहुँचे? तो मैंने ऑनेस्टली दो गाने अटेम्प्ट करे जो फोक दुनिया से आते हैं. फर्स्ट सॉन्ग तो हैपेंड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम मेरी लाइफ में. मतलब मैं बहुत उस वक्त दो लेबल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में फंसा हुआ था बहुत बुरी तरह. एक एमटीवी की प्रॉपर्टी थी, एमटीवी अनप्लग्ड. सो आई हैड जस्ट, मतलब उस वक्त मैंने और बादशाह ने एक गाना बनाया था. मैंने, बादशाह, तनिष्क, हम लोग ने साथ में एक गाना बनाया था, हम्मा सॉन्ग फॉर शाहद अलीज लव. क्या था वो, कौन सी पिक्चर थी? हम्मा सॉन्ग कौन सी में था? श्रद्धा और ओके जानू. ओके जानू, ओके जानू, मणिरत्नम रीमेक. आई थिंक इट वाज ओके कणमणिज रीमेक. जी जी जी, बिल्कुल मणिरत्नम का था प्रोजेक्ट वो. मैं और बादशाह और हम लोग मिले इसके लिए और बादशाह ने बोला कि भाई मेरा कल ना वो है एमटीवी अनप्लग्ड, कुछ करें साथ में उसमें. मैंने कहा एक गाना तो है, लेट्स डू दैट. एंड देन आई वेंट एंड डिड अ जौनसारी सॉन्ग. मतलब गांव का, जिसे बोलते हैं ना गांव के पुराने गानों में से, उनमें से एक गाना करा. That exploded in such a big way. मतलब मैं आपको कहूँगा इतना प्यार मुझे उस गाने के लिए मिला. मतलब पूरी एक कम्युनिटी जैसे बोलते हैं ना एकजुट होकर के कि यार देखो हमारा लड़का गया है वहाँ पर इतने बड़े स्टेज. That feeling is very different. Very different. मतलब ऐसा लगता है कि ट्रिप्ट हो गया अपनी. जो why I joined music, the reason why I joined music, this is the reason why. Everybody who stood by you all this while and everything. All this. It was a different feeling. बादशाह उसने उसके ऊपर रैप करा गाने के ऊपर और ये. And I really appreciate him and I always credit him for that because he was the guy, he said, yaar ye gana karna hai. Because unko touch hua. Unko nahi pata tha usme kya baat ho rahi hai, kya nahi. But usme gaon ki simplicity thi, wo saathi, teri chitthi nahi aayi pate pe. That was the hook line to the song. And that kind of worked out. So yeah, I love folk music and now I'm planning to do more. Is it? From Himachal. Wonderful. From Uttarakhand. Thoda kuch. कुछ तो करेंगे. तो मैं एक बार आखिरी बार बोलूंगा कि दो बैक टू बैक अगर कर दो आप. एक तो ये जो आपने एमटीवी अनप्लग में किया था और दूसरा मोहित भाई मोहित भाई मोहित भाई माय नहीं मेरी है. अरे यार माय नहीं मेरी, कोशिश कर सकते. ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना, झुरो लागी तेरी पानी पीवी ना, झुरो लागी तेरी पानी पीवी ना, ना जा किछे भी खाई ना, झुरो लागी तेरी पानी पीवी ना, ना जा किछे भी खाई ना. ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना,
ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना अखियों का है ये पानी बेजुबां दर्द मेरा कह पाए ना तेरी मेरी कहानी कह रहा दिल का टूटा आईना ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पते पे आए ना ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पते पे आए ना थैंक यू आई ट्राई टू ट्रांसलेट इट आल्सो अ लिटिल बिट अरिजीत सोनू निगम और मचान आई थिंक तीनों सिंगर्स जिनके आपने नाम लिए तीनों सिंगर्स में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जो सीखने के लिए एक होता है सुर होता है एक होता है ताल होता है और एक होता है भाव होता है ये आप तीनों मैं बोल सकता हूँ एक सुर है एक ताल है और एक भाव है तो मोहित जी को बोलूँगा भाव है सोनू जी को बोलूंगा सुर है और अरिजीत को बोलूंगा ताल कन्वीनियंटली एकदम ऐसे सट से निकल गया भाई बट सच्ची बात है भाई वेरी ऑनेस्ट ये मैंने बहुत सारे लाइक क्रिएटिव लोगों के हाथ में ये अंगूठी जरूर देखी है तो ये किसने पहनाई है ये मेरी माँ की दी हुई चीजें हैं ये पुखराज है फिर तो कोई सवाल ही नहीं माँ की दी हुई है तो जी तो मैंने इसको बहुत साल तक इसको मैंने इस उंगली में पहना और लोग मुझे अक्सर करेक्ट करते थे कि भाई ये पुखराज आपको पता है इसमें नहीं पहना जाता दूसरे में पहना जाता है मैंने मेरी उंगली मेरी रिंग मैं कहीं भी पहनू बट फिर बाद में समझाया गया कि नहीं नहीं पुखराज इसमें पहना जाता है सो दिस इज फॉर हैंडलिंग पॉपुलैरिटी एंड माँ रूल्स माई पॉपुलैरिटी एब्सोल्यूटली सो सम थिंग्स यू नो यू डू आई डोंट पर्सनली बिलीव इन रिंग्स एंड उसमें मैं ज़्यादा मेरी उसमें वो नहीं है आई मीन व्हेन मदर सेज तो फिर क्या आप बिलीव करते नहीं करते भाई साहब उसमें ही है पर हाँ अब मुझे विश्वास होने लगा क्योंकि थिंग्स आर गोइंग वेल ये सही है ऑनेस्ट ट्रूथ हैशटैग ऑलराइट तो द न्यू सॉन्ग दैट इज कमिंग अप एंड व्हिच इज द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग दैट यू कैन प्ले फॉर अस फ्रॉम योर फर्स्ट सुकून आई विल सिंग अ वेरी स्पेशल सॉन्ग फ्रॉम द एल्बम दिस इज द टाइटल सॉन्ग तुम आए हो तो यूं लगता है के आई है फिर जिंदगी यूं शाम से तो है खामोशी महफिल कैसे यहां फिर शुरू हुई क्यों ये समा बदल सा गया है क्या ये तुम्हें कुछ एहसास भी है आए हो तो यूं लगता है सांसें ले आई फिर जिंदगी तुम आए हो तो यूं लगता है के आई है फिर जिंदगी यूं शाम से तो है खामोशी मैं फिर कैसे यहां फिर शुरू Terra Pro Max. Thank you. ये लौंडा भी लेट जाएगा. Thank you. ऐसे करें. अरे भाई. Subscribe. Now.
इंडी एंड फोक प्रोजेक्ट, सब्सक्राइब नाउ। मैं ये कहना चाहता था कि मुझे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे ऐसे भी लग रहा है कि शाम भी हो रही है तो जाने भी देना है भाई को, ऐसा थोड़ी होगा। बट इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, मज़ा आ गया। और भाई जैसे तुम ऑन एयर सुनाई देते हो वैसे सामने सुनाई देते हो, बस इससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सही बात, थैंक यू सो मच। एक मुलाकात, आ जाओ, माता की बेटे चढ़ रही हैं और क्या करवाना है, आप बताइए, आप बताइए, आपका कंधा भी दबाएंगे भी। एक मुलाकात हो, तुम मेरे पास हो, जीने की वजह तुम बनो बनके तू रह, बर मुझको मिला है तू, मिल गया मैं मुकम्मल हुआ। एक मुलाकात जरूरी है, जरूरी जिंदगी के लिए, हाँ मुलाकात है जरूरी जिंदगी के लिए। अब आपकी आज्ञा है, अब आपसे जाने दे भाई को, अब जाने दीजिए प्लीज। पोले खुलवा दी, सब कुछ हो गया। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर। Hi people, I hope you liked our episode with Jubin Nautiyal. लेकिन देखो जी, कर लो सब्सक्राइब हमारे चैनल को, इंडी एंड फोक प्रोजेक्ट को, क्योंकि अगले हफ्ते हमारे शो पे एक बहुत ही ओरिजिनल और बहुत ही टैलेंटेड सिंगर आ रही है, इसका नाम है अकासा। So the episode is going to be super fun, क्योंकि she is going to share a lot of insights from her life and anyways entertaining तो वो है ही है, जैसे कि वो आपको बताएंगे कि उनके टैटू के पीछे का क्या मतलब है। तो अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है from her life, all you have to do is subscribe to Indian Folk Project. Bye bye.